तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर मध्य प्रदेश मासिक परीक्षा माह जुलाई का कक्षा 10वीं का विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है प्यारे विद्यार्थियों कि मध्य प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में मासिक टेस्ट लिए जा रहे हैं, तो आज हम यहाँ पर कक्षा 10वीं विज्ञान विषय का मासिक टेस्ट का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलो एक एक चीज़ों को अच्छी प्रकार से समझते हैं। तो देखो, आपका जो टेस्ट होगा ना, ये टोटली आपका 20 अंकों का होगा और आपके पेपर में इस प्रकार से आपको सही विकल्प देखने को मिलेंगे। अब चलो देखते हैं, कुछ स्कूलों में ये बोर्ड पर भी ये पेपर लिखवाया जा रहा है और कुछ स्कूलों में इसका प्रिंटआउट भी, यानी कि आपको फोटोकॉपी भी दी जा रही है। आपके स्कूल में जिस प्रकार से भी ये टेस्ट लिया जा रहा हो, मगर आपके स्कूल में प्रश्न यही पूछे जाएंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इनका सॉल्यूशन समझ लेते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं। तो देखिएगा, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, भोजन नली का कौन सा भाग यकृत में पित्त रस बनाता है। तो देखिएगा, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख लें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा छोटी हाथ। यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा पत्ती में। उसके बाद में देखो, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किसी परितंत्र के घटक है। तो देखिएगा, यहाँ पर आपको लिख देना है उपरोक्त सभी। इस प्रकार से यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थान पूर्ति को देखते हैं। तो देखो, रिक्त स्थान पूर्ति किस प्रकार से आपसे पेपर में परीक्षा में पूछी गई है। पहला क्वेश्चन, लोहे की वस्तु को हम, देखिएगा यहाँ पर आपको लिख देना जंग, लोहे की वस्तु को हम जंग से बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन, वर्षा के पानी को एकत्रित करना व इसे उपयोग में लाना कहलाता है। तो देखो, इसको कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या लिखोगे यहाँ पर, आप लोगों को लिख देना रेन वाटर और इसके बाद में हार्वेस्टिंग, यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिख देना है। तो ऐसे आपको ये लिख लेना रेन वाटर हार्वेस्टिंग। उसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन परत को हानि पहुँचाने वाला रसायन है। तो देखिएगा, ओजोन परत को हानि पहुँचाने वाले रसायन का नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यहाँ से आपको लिख लेना क्लोरो और उसके बाद में फ्लोरो और उसके बाद में यहाँ पे आगे आपको लिखना कार्बन। तो इस प्रकार से आप लोग लिख ले इसको। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, यहाँ पर आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा, मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई है। तो देखो, यहाँ से आपको लिख लेना नेफ्रॉन, नेफ्रॉन यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद में देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया, मनुष्य में मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर कौन सा तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर आपको लिख देना है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। कौन सा तंत्र बनाते हैं, केंद्रीय उसके बाद में तंत्रिका और उसके बाद में तंत्र, यहाँ पर आपको लिख देना है। तो ऐसे आप लोग लिख लें। अब इसके बाद में चलो हम आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे पूछा गया, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में एक अंतर लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, या तो आप ये वाला क्वेश्चन देख लें या फिर मैं आपको इसके अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, जो कि एकदम ही सरल है। तो चलो मैं आपको चार के अथवा वाले क्वेश्चन का राइट आंसर बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग नोट कर लें इसको। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर आपको दिया गया है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो देखिएगा, यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लें, पूरा का पूरा एक क्वेश्चन और उसका आंसर मैंने यहाँ से आपको बता दिया। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस पाँचवें क्वेश्चन को आंसर को देख लें, या देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों पाँचवा या फिर आप लोग पाँचवें के अथवा क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग याद कर सकते हो। तो चलिएगा, हम पाँचवें के अथवा क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग जाइलम और फ्लोएम के बीच में अंतर को देख लें। तो देखो, यहाँ से आपको पहला अंतर क्या लिख देना है, यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, जाइलम क्या लिख दोगे, यहाँ पर आप लोग जाइलम और इसके बाद में क्या लिखोगे, जाइलम और ये जो लिखा है ना, यहाँ पर आपको लिख देना मृदा। क्या हो जाएगा, जाइलम मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है, और उसकी तरफ दूसरी तरफ इधर लिख दो, फ्लोएम ऊतक भोजन के परिवहन में मदद करता है। उसके बाद में देखो, इसका दूसरा पॉइंट हो जाएगा, जल को पौधों की जड़ों से अन्य भागों तक ले जाता है और भोजन को ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में ले जाता है। उसके बाद में जाइलम में पदार्थों का वहन, देखो यहाँ क्या लिखोगे, जाइलम में पदार्थों का वहन सरल भौतिक दबाव की सहायता से होता है, और इधर आपको लिख देना है फ्लोएम, यहाँ पर क्या लिख लोगे, फ्लोएम में ATP से प्राप्त ऊर्जा के द्वारा होता है, ठीक है। अब इसके अलावा देखो, अगला आपको लिख देना है, इसमें ऊर्जा खर्च नहीं होती है और इसमें ऊर्जा खर्च होती है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको याद कर लें। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न नंबर 6 दिया गया है,
तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है या फिर इसकी जगह आप लोग पादप हार्मोन ऑक्सिन के 3 कार्य भी लिख सकते हो। तो चलिएगा देखते हैं इनके उत्तरों को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना सीख लें। यहाँ पर मैंने आपको तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना बता दिया है, तो यहाँ से आप लोग इसको अच्छी प्रकार से बनाना सीख लीजिएगा। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके अलावा यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 7 को देख लें। इसमें आपसे प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाने को कहा गया है, तो चलो जल्दी से हम प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाना सीखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र। यहाँ से आप लोग इसको बनाना सीख लें अच्छी प्रकार से, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इसको अच्छी प्रकार से हल करके आ सकें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने आपको एक ही वीडियो में सभी के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।